मोहन भाई यार प्रथम पुण्यतिथि है। और हम सभी लोग यहाँ जो आए हैं मैं पसंद का सिलेंडर है भाई पुण्यतिथि क्या वो हमारे बीच नहीं है, ये तो हमारे मन में बैठा है। लेकिन आज मुंबई से आदित्य ठाकरे जी आए हैं, हम सब आए हैं, ये इसलिए आए हैं कि मोहन भाई के परिवार के साथ हम साथ हम खड़े हैं, एक साथ है और हमेशा रहेंगे। मोहन भाई एक ऐसे नेता थे, ठीक है, एमएलए एमपी तो बहुत होते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मोहन भाई लीडर थे, नेता थे, लोगों के साथ जुड़े हुए थे, लोगों के सुख दुख में रहते थे। इसीलिए तो इतने सालों से दादरा नगर हवेली के साथ मोहन भाई का नाम जुड़ा है। आज जब इस प्रदेश का नाम लिया जाता है तो मोहन भाई का नाम उनके साथ अपने आप आ जाता है। मोहन भाई एक निडर व्यक्ति बनते, उनका और शिवसेना का स्वभाव लगता है वैसा ही था जैसे हम हैं, लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले, सामने से घाव झेलने वाले। जब भी मुझे मोहन भाई मिलते थे तो मैं बोलता था, आप तो शिवसैनिक हो, आप तो हमारे जैसे ही काम करते। अब मोहन भाई हमारे बीच नहीं है, मैं ये मानता हूं। मोहन भाई ने जो बलिदान दिया वो बलिदान है, और बलिदान वही लोग देते हैं वो निडर होते हैं कि मैं मरूंगा, मैं जाऊंगा, लेकिन मेरे बलिदान के साथ मेरे लोगों का आवाज देश के कानों कान तक पहुंचेगा, बुलंद हो जाएगा। बलिदान इसलिए किया है और मोहन भाई ने यह किया है, इसीलिए मोहन भाई के बलिदान को आप बलिदान दिवस, मोहन भाई के बलिदान को ये प्रदेश नहीं तो आसपास के प्रदेश हमेशा याद रखें। अब मोहन भाई का जो परिवार है, अभिनव जी है, कलाबेन जी है, और आप सब उनका परिवार, दिखता है और मैंने चुनाव में भी देखा है, इतना परिवार बनाना, संभालना, जोड़ना, रिश्ते रखना ये आसान काम नहीं होता। लेकिन मोहन भाई की पर्सनालिटी ऐसी, एक रोचक था, जो भी उनके साथ कभी मिलता था तो लगता था कि उनसे उनके पास बार बार जाना चाहिए, उनके साथ संबंध रखना चाहिए। ये तो विरोधी थे, मैं देखा है वो भी मोहन भाई की प्रशंसा करते थे। यही नेता का काम होता है और मोहन भाई ने हमेशा अपने प्रदेश की आवाज, अपने लोगों की आवाज, उनके अन्याय के खिलाफ करने का काम किया है, चाहे यहां हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे पार्लियामेंट में हो, हमेशा उनके मन में दादरा नगर हवेली के प्रश्न और जनता के प्रश्न है। बहुत ही दिलदार किस्म के आदमी थे, लोगों से जुड़े हुए थे, और उनके दिलदारी की बहुत सी यादें मेरे पास है। जब हम दिल्ली में कभी मिलते थे, उनका बात करने का
ढंग, उनका सोचने का ढंग, उनके रहन सहन बहुत आकर्षक पर्सनालिटी थी। एक आदिवासी प्रदेश का वो नेतृत्व करता ऐसा कभी लगा नहीं मुझे। मुझे तो लगता था किसी प्रदेश का प्रिंस आया है या राजा आया है, इस तरह से उनकी बात करने का ढंग था हमेशा। और राजा हमेशा दिलदार होता है, बड़े मन का होता है, और उनका मन बहुत बड़ा था। बहुत बार उसने कठोर निर्णय देने की कोशिश भी की जब हमसे कभी कभी मुझे फ्लाइट भी मिलती थी, हमसे बात करते थे। इसीलिए उनके बलिदान के बाद भी आपने जिस तरह से उनके परिवार के साथ, कलाबेन के साथ, अभिनव के साथ जो हमदर्दी दिखाई है, जो समर्थन दिया है, उसका प्रतिबिंब हमने चुनाव में, इतिहास में इतना बड़ी विक्टर, इतना बड़ा विजय इस प्रदेश में किसी को नहीं किया। 50,000 से भी ज्यादा वोटों से ये तो उस बलिदान की भी कीमत रही, जिस कारणों से मोहन भाई ने बलिदान किया, वो एक अंदर से लोगों के मन के अंदर से जो अंगार आया वो भी हमने देखा। उनका संगठन की ताकत थी, उनके परिवार के प्रति दादरा नगर हवेली के लोगों का जो प्यार था वो भी दिखा। मैं अभिनव से और भाभी जी से इतना ही कहूंगा कि हमेशा अपना नाता जो है इसलिए रहेगा, ये कोई राजनीतिक रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन नहीं, ये दिल का नाता है रहेगा। मोहन भाई भी हमारे थे, आप हमारे रहेंगे, और आप कभी भी हमें आवाज दें, शिवसेना रहेगी और महाराष्ट्र आपके साथ रहेगा पूरा। मोहन भाई की याद तो आती रहेगी, कैसे भूल सकते हैं ऐसे व्यक्ति को जिसने इस प्रदेश में अपना काम किया, उनके साथ काम। लेकिन हमारी ये भी एक जिम्मेदारी रहेगी हमारे लोगों की कि जो परंपरा, जो काम मोहन भाई ने यहाँ शुरू किया था, वो हर कार्यकर्ता उसे जुड़ा हुआ व्यक्ति आगे लेकर जाए। फिर एक बार मोहन भाई को मेरे समझ में करना।